वर्ष 1975 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है उत्तर लिखो। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। प्रश्न अगला लिखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, उत्तर होगा 1970 के दशक, 1970 के दशक। प्रश्न अगला लिखो, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, नेतृत्व किसने किया, उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण, प्रश्न अगला, भारत में हुई 1977 में, उन्नीस सौ सतहत्तर में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, उत्तर लिखिए, जनता पार्टी को। प्रश्न अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है, उत्तर लिखो,
कांग्रेस पार्टी के विरोध से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से प्रश्न अगला, दलित पैथर्स के, दलित पैथर्स के कार्यक्रम निम्न में से, कार्यक्रम निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है? उत्तर लिखिए, दलित सेना का गठन, दलित सेना का गठन। प्रश्न अगला लिखो, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, उत्तर होगा महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। प्रश्न अगला, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, किस प्रांत से शुरू हुआ? उत्तर होगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। प्रश्न अगला, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा नदी है, सब जानते हैं। उत्तर लिखो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्रश्न अगला लिखो, सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन शुरुआत कहां से हुई, उत्तर राजस्थान, राजस्थान। प्रश्न अगला लिखो, सूचना के अधिकार संबंधी कानून, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, कब बना? उत्तर है 2005। प्रश्न अगला, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था?
उत्तर लिखो लोकतंत्र की स्थापना। प्रश्न अगला लिखो बोलविया, बोलविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण है। बोलविया में मुख्य संघर्ष का कारण है, उत्तर है पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। प्रश्न अगला है श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ। उत्तर है 1948। प्रश्न अगला राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है। उत्तर है व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों के समूह से। प्रश्न अगला सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर होगा सत्ता प्राप्त करना। उत्तर में लिखो सत्ता प्राप्त करना। प्रश्न अगला राजनीतिक दलों की नींव। राजनीतिक दलों की नींव। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहां पड़ी। सबसे पहले कहां पड़ी। उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न अगला है लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। उत्तर है राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को। प्रश्न अगला कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। उत्तर है अफसरों की बहाली। अफसरों की बहाली। प्रश्न अगला किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न अगला गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना। संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न अगला दल बदल कानून। दल बदल कानून किस पर लागू होता है।
उत्तर है सांसदों एवं विधायकों पर, सांसदों एवं विधायकों पर। प्रश्न अगला, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसको चिन्ह, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। उत्तर लिखो, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। प्रश्न अगला, एक ऐसे दल का नाम लिखे, एक ऐसे दल का नाम लिखे जो राष्ट्रीय दल नहीं है, जो राष्ट्रीय दल नहीं है। उत्तर है लोक जनशक्ति पार्टी। तो दूसर दे दी तो दूसर, अब दूसर हम लिखाई हुआ अलग से करके तो टाइम नहीं। बिहार में पार्टी था बा, कल भी एगो पैदा भइल गोरी बना दल। ओपनी के बाद में व्यवस्था करा भी, अभी आई लिखवा दी एक नंबर या तब उदी आई लिखो। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ, वो अलग से लिखावे के पड़ी, न तो कहो दुनिया खनी के बना के उठ के बैठ जाते तो कर कोई के बा। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ, उत्तर लिखो 1999। उन्नीस सौ निन्यानवे